आज हम हिंदी वर्णमाला के बारे में सीखेंगे। हिंदी वर्णमाला में कौन कौन से वर्ड से क्या क्या वर्ड बनते हैं, कौन कौन से शब्द पाए जाते हैं, कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं, उनसे जो बनने वाले शब्द हैं विद फोटोग्राफ, हम जो है आज हिंदी वर्णमाला के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले आता है हिंदी वर्णमाला में छोटा आ। छोटा आ, छोटा आ से बनता है अनार। ये जो है अनार का फोटोग्राफ है, इसे पॉम ग्रेनेट भी बोला जाता है। ओके, छोटा आ से अनार पोमग्रेनेट हो गया। अभी नेक्स्ट देखते हैं, ये है बड़ा आ। बड़ा आ से बनता है आम। ओके, बड़ा आ से बनता है आम, ये आम का फोटोग्राफ है। ओके, मैंगो जैसे इंग्लिश में बोला जाता है, हमारा नेशनल फ्रूट है इंडिया का, तो ये हो गया मैंगो। अभी नेक्स्ट देखते हैं, ये हो गया छोटी ई। छोटी ई से बनता है इमली। इमली, ये इमली बोला जाता है, टार्ट्रिक। ओके, ये इमली होती है। ओके, ये इमली, तो छोटी ई से इमली। और अभी नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट है बड़ी ई। बड़ी ई से बनता है ईख। ओके, बड़ी ई से बनता है ईख, जिसे गन्ना भी बोला जाता है, शुगर कैन। ओके, जिसे गन्ना भी बोला जाता है, शुगर कैन भी बोला जाता है, इंग्लिश में शुगर कैन बोलते हैं, हिंदी और जनरल लैंग्वेज में गन्ना, और वैसे ईख बोला जाता है। ओके, बड़ी ई से ईख। अभी नेक्स्ट देखते हैं, छोटे ऊ से उल्लू। तो ये क्या है, छोटा ओ, इससे क्या बनेगा, उल्लू बन रहा, छोटे ओ से ये उल्लू होता है। ओके, आउल जैसे इंग्लिश में बोला जाता है, आउल, ये उल्लू हो गया, जैसे ये अपनी गर्दन 360 डिग्री पे घुमा सकता है। ओके, तो ओ से उल्लू। अभी नेक्स्ट देखते हैं, बड़ी ऊ से ऊन। ये बड़ी ऊ है, बड़ी ऊ से क्या बनेगा, ऊन बनेगा, ये जो होती ऊन, यार्न जो धागा होता है ऊन। ओके, वूलन जो क्लॉथ्स होते हैं वो ऊन के बने होते हैं, ठीक है, तो ये हो गया बड़ी ई ऊ से ऊन। अभी नेक्स्ट देखते हैं, ये हो गया री। री, री से ऋषि, री से ऋषि, ये ऋषि है, ये कमंडल, ये लिख रहा है। ओके, ये ऋषि हो गया, भगवा वस्त्र पहन रखे हैं, तो री से ऋषि। छोटी ए से एडी। एडी, ये होती है एडी। ओके, तो छोटी ए से एडी। ओके, ये हो गई एडी। अभी बड़ी ए से ऐनक। बड़ी ए से ऐनक, ये हो गए ऐनक, स्पेक्टिकल्स, ग्लासेस, चश्मे, अलग अलग नाम होते हैं इनके। ओके, गोगल्स वगैरह सब बोलते हैं, तो ये बड़ी ए से ऐनक। छोटा ओ से ओखली। छोटा ओ से ओखली, ये होती है ओखली, ठीक है, जिससे अपन कुछ कूटते हैं, मेडिसिन्स वगैरह अपन आई टाइम पर आयुर्वेदा में यूज होते थे, अपन घर में जो खल्लड़ यूज करते हैं नॉर्मली, जिसे बोलते हैं वो तो ओखली बोलता है, तो छोटी ओ से ओखली। बड़ी ओ से औरत। ओके, तो बड़ी ओ से औरत। छोटी ओ से ओखली, बड़ी ओ से औरत, ये औरत का डायग्राम है। ओके, अंग से अंगूर, ये होते अंगूर, रेड, ब्लैक, ग्रीन। ओके, ग्रेप्स, जिन्हें ग्रेप्स बोला जाता है हिंदी, इंग्लिश में ग्रेप्स, तो अंग से अंगूर। ओके, अभी अपने एक बार फिर से देख लेते हैं इसे जल्दी जल्दी, ठीक है, तो ये हो गया छोटे या से अनार, बड़े या से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईख, छोटे ऊ से उल्लू, बड़े ऊ से ऊन, छोटी वो री से ऋषि, छोटी ए से एड़ी, बड़ी ए से ऐनक, छोटे ओ से ओखली, बड़े ओ से औरत, और अंग से अंगूर। और नेक्स्ट वर्ड है गह, जैसे बोला था गह, जैसे बाण लास्ट में बनता है, जैसे कि मैं लिख के बता देता हूँ एक बार, ये हो गया बाण है, तो ये जो बर्ड आ रहा है अंत में, ये इसी का है, अंगे का। ओके, तो ये जो आ से अंगे तक जो बर्ड है, इन्हें स्वर बोला जाता है। आ से अंगे तक जो बर्ड है, मतलब मोस्टली तो औ तक जो होता है, औरत जो बर्ड है वहाँ तक जो होते हैं वो स्वर होते हैं, ठीक है, और बाकी के फिर व्यंजन स्टार्ट होते हैं ये। ओके, का से कबूतर। का से कबूतर उड़ता जाए, खा से खरगोश भगता जाए। ओके, खा से खरगोश भगता जाए, गा से गाय दूध पिलाए, गा से गाय दूध पिलाए,
घास घड़ी समय दिखाए, घास घड़ी समय दिखाए, अणा से अणा खाली। ये होता है खाली वर्ड, ठीक है, ये खाली वर्ड में आते हैं। अणा से अणा खाली, भी चा से चम्मच चटनी चटाए, चा से चम्मच चटनी चटाए, छा से छाता बारिश में बचाए, छा से छाता बारिश में बचाए, जा से जलेबी खाते जाओ, जा से जलेबी खाते जाओ, झा से झंडा ऊंचा फहराए, झा से झंडा ऊंचा फहराए, ना खाली। नेक्स्ट वर्ड टा से टमाटर, ये हो गया टा से टमाटर, ये टमाटर, ओके। ठा से ठठेरा, ठा से ठठेरा, डा से डलिया, डा से डलिया, और ढा से ढक्कन, ढक्कन को लिड भी बोला जाता है, ओके। सो ढा से ढक्कन, अणा खाली। अभी नेक्स्ट देखते हैं, ता से तरबूज मीठा मीठा, ता से तरबूज मीठा मीठा, था से थर्मस पानी रखने को, था से थर्मस पानी रखने को, दा से दवा लिखने को, दा से दवा लिखने को, धा से धनुष चलाने को, धा से धनुष चलाने को, ना से है नल है पानी आता पानी जिससे, ना से है नल जिससे आता पानी, ये पास से पानी प्यास बुझाए, पास से पानी प्यास बुझाए, फास से फल खाते ही जाओ, फास से फल खाते ही जाओ और तंदुरुस्ती पाओ, ये बास से बकरी में, बास से बकरी में, भास से भालू, ये डरावना भालू, भास से भालू, ये माँ से मछली, मछली जल की रानी है तो माँ से मछली, ये हो गई मछली अपनी, ओके। माँ से मछली, या से याक, ये हो गए याक, कितने बड़े बड़े बाल हैं उसके, याक, या से याक, रा से रथ, रा से रथ, ये ला से लट्टू फिरता जाए, ला से लट्टू फिरता जाए, वा से वन ये बड़े बड़े जानवर, वा से वन ये बड़े बड़े जानवर, सा से सलजम खाते ही जाओ, सा से सलजम खाते ही जाओ, सा से षटकोण, ये रंग बिरंगा षटकोण, ये षटकोण में क्या होते हैं, छह कोने होते हैं इसके, 1 2 3 4 5 और ये 6, ओके। तो षटकोण में क्या होते हैं इसके, छह कोने होते हैं, ये 1, ये 2, ये 3 4 5 6, ये भी। नेक्स्ट देखते हैं, सा से सलेठ लिखते जाओ, सा से सलेठ लिखते जाओ, वाओ मज़ा आ रहा है स्लेट पर लिखने में। हा से हल, ये खेत को जोते, हा से हल, ये खेत को जोते, छा से क्षत्रिय युद्ध ये लड़े, छा से क्षत्रिय युद्ध ये लड़े, त्र से त्रिशूल महादेव का, त्र से त्रिशूल महादेव का, ज्ञा से ज्ञानी लिखता ही जाए, ज्ञा से ज्ञानी लिखता ही जाए,
से श्रमिक काम करता ही रहे, से श्रमिक काम करता ही रहे। तो बच्चों आपको कैसी लगी हमारी वर्णमाला, ज़रूर हमें बताएं। थैंक यू।